अब हम 11.9 प्रमेय पर बात करने जा रहे हैं और ये प्रमेय भी एक महत्वपूर्ण परिणाम हमारे सामने रखता है जो समानांतर रेखाओं से संबंधित है। हमें दिया हुआ है कि तीन समानांतर रेखाएं हैं, आप देख रहे हैं नीली स्याही से जो तीन समानांतर रेखाएं बनी हुई हैं जिनके नाम क्रमशः एल, एम और एन है, और इन्हें दो तिरेक रेखाएँ पी और क्यू काट रही हैं। एक लाल स्याही से एक तिरेक रेखा बनी हुई है जो इन्हें क्रमशः जी, ई और एच बिंदु पर काटती है, और एक और तिरेक रेखा है क्यू जो इन्हीं को, इन एल, एम, एन को क्रमशः ए, बी और सी बिंदुओं पर काटती है। हमें दिया हुआ है कि ये जो रेखा पी है वो इन तीनों रेखाओं से इस तरह से मिल रही है कि ये तीनों रेखाएं उस पर समान अंतःखंड काटती हैं, यानी जी ई बराबर ई एच है। ये तीनों रेखाएं इस प्रकार से हैं कि तिरेक रेखा पी पर वो दो समान अंतःखंड काटती हैं, यानी ये जो हिस्सा है वो इस हिस्से के बराबर ये दिया हुआ है। तो गणितीय रूप से इसे हम लिखते हैं कि जी ई बराबर ई एच, ये हमने यहाँ लिखा है कि ये बात हमें दी गई है। रेखाएं इस तरह से व्यवस्थित हैं कि इस तिरेक रेखा पर वो दो बराबर अंतःखंड काटती हैं। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि यही समानांतर रेखाएं एल, एम और एन इस रेखा क्यू पर भी समान अंतःखंड काटती है, माने ए बी बराबर बी सी होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो आगे बढ़ने के पहले हम यहां पर एक और किरण बनाते हैं आर जो क्यू के समानांतर है, और इसके द्वारा जो अंतःखंड काटा जा रहा है, इस रेखा पर जो अंतःखंड काटा जा रहा है वो क्रमशः डी ई और ई एफ है। ये हमने अपने से एक रचना कर ली सिद्ध करने के लिए। अब आप देखिए ये जो शर्त दी हुई है वो ये है कि ये जो रेखा है R वो Q के समानांतर है। तो ऐसा करने से आप देखिए यहाँ पर दो चतुर्भुज बन रहे हैं, समानांतर रेखाएं L, M, N और समानांतर रेखाएं Q और R। तो एक जोड़ा ये है और तीन समानांतर रेखाएं ये हैं, तो इनके बनने से दो समानांतर चतुर्भुज ये दिखाई पड़ रहे हैं। वैसे तो एक और बन रहा है लेकिन हम इन दोनों की बात करेंगे कि समानांतर चतुर्भुज डी ई बी ए में, समानांतर चतुर्भुज डी ई बी ए में, डी ई बी ए में आप देखिएगा कि डी ए और ए बी तो समानांतर है ही हैं, ये पहले से दिया हुआ है पहली वाली शर्त में ही, और हमने रचना से डी ई और ए बी को समानांतर बनाया है। तो हम कह सकते हैं कि समान चतुर्भुज डी ई बी ए एक समानांतर चतुर्भुज होगा। इस बात को लिख लें हम, चूंकि डी ए समानांतर ई बी, डी ए समानांतर ई बी के, ई बी के और डी ई समानांतर ए बी के, डी ई समानांतर है ए बी के, देखिए इसे डी ए समानांतर ई बी और डी ई समानांतर ए बी, डी ई समानांतर ए बी, इसलिए ये चतुर्भुज डी ई बी ए, डी ई बी ए एक समानांतर चतुर्भुज होगा। और समानांतर चतुर्भुज होने की वजह से इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होंगी, यानी कि आप कह सकते हैं कि डी ई बराबर ए बी या ए बी बराबर डी, कैसा भी आप लिख लें, ये एक परिणाम हमको मिला कि डी ई बराबर ए बी, ये एक ऐसा परिणाम है जिसका हम आगे उपयोग करेंगे। इसे हम चिन्हित कर लें एक कथन एक के रूप में। फिर से देख लीजिए आप, हमने डी ई को ए बी के बराबर कहा क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने के भुजाओं का जोड़ा है और इसलिए बराबर है। ठीक ऐसे ही इस समानांतर चतुर्भुज को देखिए, ई एफ सी बी को, चतुर्भुज चतुर्भुज ए बी, चतुर्भुज ई एफ सी सी बी में, ई एफ सी बी, ई एफ सी बी, ये जो नीले रेखाओं से बनी हुई आकृति आपको दिख रही चतुर्भुज की, हम उसकी बात कर रहे हैं। ई एफ सी बी में ई बी और एफ सी समानांतर है,
EB समानांतर FC, ये दिया हुआ है कि EB रेखा M का हिस्सा है और FC रेखा N का हिस्सा है, और चूंकि दोनों समानांतर हैं इसलिए ये दोनों रेखाखंड भी समानांतर होंगे। और ठीक इसी तरह से रचना में हमने कहा है कि RQ के समानांतर है इसलिए उनके टुकड़े EF समानांतर होंगे BC के, और इसलिए आप देखिए कि इस चतुर्भुज में यदि ये रेखा इसके समानांतर है और ये इसके समानांतर है तो ये समानांतर चतुर्भुज हुआ। तो इसको आप लिख सकते हैं, इसलिए चतुर्भुज EFCB एक समांतर चतुर्भुज होगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि EF बराबर होगा BC के। अब इसे लिख लें, इसलिए EF बराबर होगा BC के। समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समानांतर तो होती ही हैं, बराबर भी होती हैं। ये आपका एक कथन दो है, इसको भी आप ध्यान में रखें। अब आप देखिए, हम इन दोनों त्रिभुजों पर थोड़ा गौर करें। त्रिभुज GED, ये ऊपर एक बना हुआ त्रिभुज है, त्रिभुज GED और त्रिभुज ठीक उसके नीचे एक और त्रिभुज बन रहा है EFH में। अब फिर से देखिए, हम इन दोनों त्रिभुजों की बात कर रहे हैं। इस त्रिभुज को हमने लिखा GED और इस त्रिभुज को लिखा EFH। इन दोनों त्रिभुजों पे गौर करिए आप, हमें दिया हुआ है कि ये तीनों रेखाएं इस पर समान अंतःखंड काटती हैं, यानी GE बराबर EH ये हमें दिया हुआ था, तो इसको हम लेंगे, इसका उपयोग करेंगे। GE बराबर EH ये हम ले, और दूसरी एक भुजा आप ले सकते हैं, एक कोण हमें ले ले, इस कोण को आप देखिए, ये जो दोनों कोण है वो शीर्षाभिमुख कोण है, तो कोण GED बराबर कोण ये सामने का जो कोण है FEH। आपने एक भुजा को त्रिभुज दूसरे त्रिभुज की इस भुजा के बराबर बताया, और ऊपर वाले त्रिभुज का ये जो कोण है उसको इस कोण के बराबर बताया। अब एक और चीज हमें ढूंढनी है जिसे हम बराबर सिद्ध करें और कह सकें कि त्रिभुज सर्वांग सम है। आप देखिए कि L और N समानांतर हैं और तिर्यक रेखा P उन्हें काटती है। इस परिस्थिति में यहां जो बनने वाला कोण है और यहां बनने वाला कोण, आप देखिए एकांतर कोण का शेप बना रहे हैं, एकांतर कोण की आकृति बना रहे हैं, और चूंकि ये समानांतर रेखाएं हैं इसलिए यहां पर बनने वाले एकांतर कोण भी बराबर होंगे। तो आप लिखेंगे इस कोण के बारे में, इस कोण का नाम पढ़ सकते हैं आप DGE, कोण DGE बराबर होगा कोण, इस कोण का नाम पढ़ेंगे आप EHF। फिर से देख लीजिए, सबसे पहले हमने भुजाओं को बराबर किया जो हमें दी हुई थी कि GE बराबर EH, ये दिया हुआ था GE बराबर EH, ये जो आरंभिक शर्त है उसमें हमें दिया हुआ था। दूसरा, दोनों सरल रेखाओं के काटने से यहां और यहां जो कोण बन रहे थे वो शीर्षाभिमुख कोण थे, इन्हें हमने लिखा GED के रूप में और बराबर कोण बताया उसे FEH के रूप में। तीसरा कोण हम इसे ले रहे हैं यहां और यहां, जो समानांतर रेखा है N और समानांतर रेखा L को तिर्यक रेखा P के काटने पर बन रहे हैं, इसका हमने नाम रखा DGE और इसका हमने नाम लिया FHE या EHF। तो ये दोनों कोण बराबर हो गए। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि इस त्रिभुज के दो कोण और उनको बनाने वाली भुजा, इस त्रिभुज के दो कोण और उनको बनाने वाली भुजा के क्रमशः बराबर हैं, और इसलिए आप कह सकते हैं दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो ये कथन आप कह सकते हैं कि ये जो दोनों त्रिभुज आपने लिए थे वो सर्वांग सम है। तो इसे यहां लिख ले, त्रिभुज GED
जी ई डी सर्वांग सम है त्रिभुज ई एफ एच के, त्रिभुज ई एफ एच के। और सर्वांग सम होने की स्थिति में आप कह सकते हैं कि बाकी जो अवयव हैं वो भी आपस में बराबर होंगे। और हमारा उद्देश्य था हम ई डी को एफ ई के बराबर सिद्ध कर दें। तो आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज की भुजा ई डी इस वाले त्रिभुज की भुजा एफ ई के बराबर है। तो आप इसे लिख लें, आप इस तरह से लिख सकते हैं डी ई, इसलिए त्रिभुज के शेष अवयवों में से भुजा डी ई बराबर होगी भुजा ई एफ के। ये हमको परिणाम मिला। अब आप देखिए कि आपने पहले सिद्ध किया हुआ है डी ई का मूल्य कितना है। देखिए डी को आपने सिद्ध किया है ए बी के बराबर, तो डी की जगह में आप लिखिए ए बी और बराबर ई एफ के आपने सिद्ध किया है बी सी को, तो यहां आप लिखिए बी सी। तो आपको परिणाम मिला कि चूंकि डी ई और ई एफ बराबर है और हमने पहले सिद्ध कर रखा है कि समानांतर चतुर्भुज के हिस्सा होने के कारण डी ई ए बी के बराबर है और ई एफ बी सी के बराबर है, तो ये बराबर ये के साथ साथ आप लिख सकते हैं ए बी बराबर बी सी। ये आपको यहां पर मिल रहा है कि यदि ये दोनों बराबर हैं तो जिनके ये बराबर हैं वो भी आपस में बराबर होंगे, यानी हमको प्राप्त हो रहा है ए बी बराबर बी सी। और यही हमें सिद्ध करना था, देखिए ये हमें सिद्ध करना था ए बी बराबर बी सी, यानी कि यदि तीन समानांतर रेखाएं किसी रेखाखंड पर या किसी चौथी रेखा पर समान अंतःखंड काटती हैं तो वो किसी और तीरक रेखा पर भी समान अंतःखंड काटेंगी। यही हमारा प्रमेय था और जो इस तरह से सिद्ध होता है। हमने सीखा, पहला, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। दूसरा, किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुज में बांटता है। तीसरा, चतुर्भुज निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, आयत और वर्ग। चौथा, एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा यदि सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो या सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो या विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं या सम्मुख भुजा का प्रत्येक युग्म बराबर और समांतर हो। पांचवा, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और बराबर होते हैं व इसका विलोम भी। छठवां, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं और बराबर होते हैं व इसका विलोम भी। सातवां, सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं व इसका विलोम भी। आठवां, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है।